दोस्तों कैसे आप लोग देखिए एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है और सभी लोग फॉर्म भर चुके हैं। बहुत कोई ऐसे होंगे जिनको फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि फॉर्म वहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, सर्वर डिले हो गया था। तो इसमें जो कट ऑफ जाएगा क्या जाएगा, सच में बहुत हाई जाने वाला है या बहुत कम जाएगा या मीडियम जाएगा, इस वीडियो में बताएंगे। देखिए सबसे पहली बात तो इसमें दो सेक्शन ऐसा किया गया है जिसमें कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन दूसरा जो दो सेक्शन है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और आपका जो इसमें है फाइनल मेरिट भी उसी पर बनेगा। तो हर कुछ डिटेल में बताएंगे तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं या वीडियो को बढ़ा के जाते हैं तब आपका मेन पॉइंट ही अगर छूट जाएगा तो आप कोई काम के नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको ध्यान से सुनना है। देखिए एसएससी एमटीएस इस बार कितने पोस्ट निकले हैं, लगभग आपके 12,000 के आसपास पोस्ट निकले हैं एमटीएस हवलदार मिला के, ठीक है। तो ये जो आपका पोस्ट है, हम लोगों को पोस्ट से उतना मतलब नहीं है, पोस्ट कितना भी हो बच्चे तो अप्लाई करने वाले अच्छे खासे रहते हैं ना, तो हम लोगों को यहाँ पर मतलब है कटअप से, कटअप कितना जाएगा। तो देखिए इसमें कटअप जो जाता है कैसे जाता है, स्टेट वाइज कैसे जाता है, स्टेट वाइज कटअप जाता है। तो मुझे जैसे इसका कटअप भी बनाना पड़ेगा तो इसमें हमको बिहार का अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसमें हमको असम का अलग बनाना पड़ेगा, ओडिशा का अलग बनाना पड़ेगा, सबको अलग बनाना पड़ेगा। लेकिन एक सेफ स्कोर होता है ना कि कितना सेफ स्कोर रहेगा तो आप सेफ रहिएगा। तो सबसे पहली बात फाइनल मेरिट किस पर जाएगा, तो पहले हम यहाँ एक लाइन खींचते हैं। आपका एक ही दिन में आपका यहाँ पर पहले एग्जाम दिया जाएगा किसका, मैथ का, किसका, मैथ का और रीजनिंग का, ठीक है। तो ये सेक्शन आपको कितना देर के लिए खुलेगा, मैथ और रीजनिंग का सेक्शन में आपको 20-20 क्वेश्चन देंगे, कितना 20-20 क्वेश्चन, तो यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 20-20 क्वेश्चन कितना हो गया 40 क्वेश्चन, ठीक है, 120 मार्क्स, कितना 120 मार्क्स। तो इस 40 क्वेश्चन में से ये तो क्वालिफाइंग है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। मान लीजिए आप 40 का 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसमें आपका 10 एक सही होता है, ठीक है, लेकिन बाकी भी तो तुक्का लगाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं ना कटेगा। आपको इसमें करना क्या है कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ये 40 क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, आपको 40 क्वेश्चन में से मात्र 15 क्वेश्चन करना है, कितना 15 क्वेश्चन करना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको मात्र 12 क्वेश्चन करना है, 40 क्वेश्चन में से मात्र 12 क्वेश्चन करना है। अगर आप एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से हैं तो मात्र आपको 8 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया क्वालिफाइंग, अगर आप ये 40 क्वेश्चन में से अगर आप यूआर है तो 15 क्वेश्चन, ओबीसी है तो 12 क्वेश्चन, एससी एसटी है तो 8 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये सेक्शन क्वालिफाई हो जाएगा, जिसके लिए कि आपको 45 मिनट का समय मिलेगा, कितना 45 मिनट, 45 मिनट का समय मिलेगा। और ये जैसे बंद होगा ये सेक्शन 45 मिनट बाद, तो दूसरा सेक्शन उसी समय खुल जाएगा आपका कंप्यूटर में, जो कि आपका रहेगा इंग्लिश, क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा दोस्तों, और इंग्लिश के बाद क्या रहेगा, जीके, ठीक है। ये जो दो सेक्शन रहेगा इंग्लिश और जीके, इसमें 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, फाइनल मेरिट इसी पर बनेगा। तो यहाँ पर इंग्लिश और जीके जो आप देख रहे हैं ना, तो इंग्लिश कभी भी रटने से नहीं होता, जैसे कि आपका हिंदी लैंग्वेज, क्या आप रट के लिख पाते हैं, नहीं, हिंदी हमारी भाषा है तो हम कर पाते हैं। तो इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर रट लेने से नहीं होगा, आपको जो कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये 75 मार्क्स का होता है, कितना 75 मार्क्स, यहाँ 25-25 50 क्वेश्चन, कितना 50 क्वेश्चन, और 75 75 75 कितना 150 मार्क्स, यहाँ पर आपका 150 मार्क्स, एक क्वेश्चन कितना 3 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग अगर एक वो गलत किए तो 1 मार्क्स जाएगा, एक वो गलत किए तो 1 मार्क्स जाएगा, और एक सही कीजिएगा तो कितना मिलेगा 3 मार्क्स, कितना मिलेगा 3 मार्क्स। तो अब हम आपको बताते हैं कि कटअप क्या जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं जनरल, तो जनरल कैंडिडेट का जो कटअप जाएगा 150 मार्क्स का है, टोटल कितना 150 मार्क्स। तो जनरल का कटअप कितना जाएगा, ये हमको पिछले बार से पता चलेगा, पिछले बार जो एग्जाम हुआ था, पिछले बार कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था, 100 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ था तो कटअप पता है कितना गया था, किसी स्टेट का 99 गया था, किसी स्टेट का 95 गया था, किसी स्टेट का 93 गया था, किसी स्टेट का 80 गया था, मतलब इसी के आसपास गया था, 80 से नीचे कहीं का नहीं गया था। तो लोएस्ट स्टेट का जो कटअप गया था कितना गया था 80%, कितना 100 में से कितना गया था 80% गया था। इस पर हम लोग 150 का 80% लेंगे, ठीक है, 150 का जब आप 80% लीजिएगा तो उसे सेफ स्कोर माना जाता है, क्या माना जाता है, सेफ स्कोर। तो कितना होगा 120, कितना होगा 120, मतलब जनरल वाले 120 पर सेफ है, जनरल वाले 120 पर सेफ है। अगर एमटीएस के लिए कोई भी आपको कटअप बता रहा है, ठीक है, और कम कटअप बता रहा है, एवरेज कटअप, तो वह गलत बता रहा है, ठीक है। ये 120 सेफ है कौन, हर स्टेट के लिए, मानते हैं कि आपका जैसे कि असम का कोई स्टेट का कम जाता है तो वह हम बना देंगे, वहां पर मान लीजिए कि ये 120 से 80 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये हर स्टेट के लिए है ना, ये थोड़ी एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए हम बना रहे हैं, ये तो ऑन एन एवरेज हर स्टेट का मेल फीमेल के लिए है। तो आप 120 पर सेफ है अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो, ठीक है। हम बात करें ओबीसी, तो अगर कोई ओबीसी से है तो वो 111 पर सेफ है, कितना पर 111 पर। अगर कोई एससी से है तो एससी पर वो कितना 106 पर सेफ है, कितना 106 पर। एसटी कैटेगरी का है तो वो 102 पर सेफ है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर बात करते हैं जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस कितना पर सेफ है 100 पर सेफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 में से आपका लोएस्ट कटअप जो जाएगा वह क्या होने वाला है, यहाँ पर 100, क्या होगा ईडब्ल्यूएस का 100।
तो इस तरह से कट ऑफ आपका जाने वाला है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम स्टेट वाइज बनाए तो नीचे कमेंट कीजिए अपना स्टेट का नाम, मेरे स्टेट का बनाइए सर, जितना ज्यादा कमेंट जिस स्टेट से आएगा उस स्टेट का मैं पहले बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।